smell the barbecue. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू गेम प्ले वीडियोस। तो आज बेसिकली हम एक नया गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस गेम का नाम बेसिकली है वोल्फेंस्टाइन। These things, none of it for me. तो चलो गेम प्ले स्टार्ट होते हैं, देखते हैं कैसा है। शुरुआत में तो एक बंदा प्लेन पास सो रहा है और इसको कुछ पुरानी यादें आ रही है, देखते हैं चलो। Eyes open, Blazkowicz. You keep a lookout. I need to go to the press. भाई क्या डेंजर माहौल है, प्लेन क्रैश हो रहा है लगता है। ओ आप समझ में आया, तो ये बंदा बेहोश हो गया था, तो जो पायलट है या कैप्टन बोल सकते हो, वो उसको होश में ला रहा था। तो फिलहाल अभी जो प्लेन टकराया हमारे प्लेन के साथ, उसकी वजह से फ्यूल कंपार्टमेंट में फ्यूल लीक कर रहे हैं, तो उसे ठीक करने जा रहा हूँ हम। जल्द से जल्द से ठीक कर ले पहले, नहीं तो पूरे प्लेन क्रैश हो सकती है। तो चलो इसे तो ठीक कर लिया। तो इस एक्सीडेंट की वजह से कुछ इंजन में खराबी आ गया, तो इसीलिए लोड कम करना पड़ेगा, नहीं तो प्लेन ऊपर नहीं उड़ पा रहा है। इसीलिए जितने भी सारे सामान है उसे ड्रॉप करना होगा। देख रहे हो प्लेन एकदम समंदर की ऊपर, थोड़ी ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो हमारे पीछे जो प्लेन आ रहे हैं ना, उनके साथ ये चीज़ें टकरा सकती है और वो भी क्रैश हो सकती है। इसीलिए इतने नीचे से उड़ा रहा है प्लेन कैप्टन। चलो अब थोड़ी सी लाइट वेट हो गया प्लेन, अब ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। तो हम फिलहाल कॉकपिट पर वापस जाते हैं। ओलो यहाँ पर प्लेन के साथ कुछ टकराया और ब्लास्ट हो गया, हम थोड़ी जख्मी हो गए। तो हमारे ऊपर फायर सामने से अटैक हुआ है। लो अब आएगा मजा, आजा सामने। लो ये पहली शुरुआत हुए है दो। तो जंग की महल चल रहा है अभी, तो फिलहाल सीन कुछ ऐसा ही है। हमें गोली लगी है, शायद गोली तो नहीं लग सकती क्योंकि वो बुलेट प्रूफ है, बट अटैक की वजह से हम भी कुछ जख्मी हुई है। तो कैप्टन हमारी अभी होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है। वो होता है ना, अगर अचानक कुछ सामने से देख जाओ तो कुछ देर के लिए अपने दिल का धड़कन रुक जाती है। उस माहौल में चला गया था हम, अभी सदमा लग गया जिसे बोलते हैं यार। Listen up, pay close attention. Now, you see the pilot's wheel? Yes, sir!
Right, launch it and grab it as hard as you can with both hands and pull it towards you. But don't turn it, mind you. You keep it level, just pull it towards your chest. Okay, sir! I think it's working! We're leveling out! Okay, Private Wyatt, I need you to do one more thing for me. Sir! Have a man ready by the side door. You are getting visitors. Roger that, sir! Blazkowicz, get the cockpit door open. You're gonna have to hold it open, then follow me. तो पता नहीं कैप्टन ने हमें कॉकपिट डोर ओपन करने के लिए बोला और लो कैप्टन ने छलांग मार दिया। अब प्लेन कौन चलाएगा भाई? लो एक प्लेन भी क्रैश हो गया। तो हमारी प्लेन में कुछ खराबी आ चुका है, इसीलिए दूसरे प्लेन में जा रहा है, लेकिन ऐसे तो नहीं जा सकते, कोशिश करते हैं। लो हमने भी छलांग मार दिया, देखते आप। तो फिलहाल हमें पकड़ लिया कैप्टन ने। जो प्लेन हमने ऊपर छोड़ दिया ना, वो प्लेन आके इस प्लेन से साथ टकरा गया। तो फिलहाल हमें तो खींच कर अंदर ले आया, लेकिन हालत बहुत बुरी है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जख्मी है, देख रहे हो हालत क्या हो रही है। Do or die, son. Same as always. Hoorah, sir. ये देखो, हर बंदा जख्मी है, खून से लिपटा हुआ लगता है। यहाँ पर डेड बॉडी भी है, वो बंदे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनकी कोशिश कर रहे हैं। सबके सब बैठे हैं, खामोशिया जंग की माहौल है बहुत। कोई तो रो रहा है, आवाज आ रही है किधर से। कौन रो रहा है भाई? तू रो रहा है क्या? कोई तो रो रहा है, पता नहीं कौन। चलो शायद इसे भी हमारी तरह सदमा लग गया, इसीलिए ये बक रहा है। ओ भाई लो, तो हमने एक तमाचा मारा तो ये होश में आ गया और हमें बोल रहे थैंक यू सर। चल चल कोई बात नहीं बेटा। ये जितने भी सारे प्लेन है ना, ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, इसमें उतने फाइटिंग एक्सरसाइज नहीं है। और हमारी एनिमी की जितने भी सारे फाइटर प्लेन है, वो हम पर अटैक कर दिया हो और इसीलिए हमारी ये हालत है। लगता है ये प्लेन भी क्रैश होने वाला है। लो बोला नहीं, क्रैश हो गया। पानी पर भी गोलियां चला रहे दुश्मन, बचना मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। War machine is advancing at an astonishing rate. We can't catch up. Tactics are failing. Outclassed and outgunned. No one knows why. People are getting desperate. मतलब इतुसी के लिए हम बच गए। हमारी एकदम बगल वाले को गोली लग गई। और ये रोबोट अलग से है। वाई अगर इनकी एक बार जबरे में चला गया ना, तो हड्डी मांस कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा चूना चूना हो जाएगा। Fergus, what's your status? तो प्लेन की रेडियो से हम कैप्टन को कोशिश कर रहे हैं बात करने की। शायद हमें लाइन पर मिल गया है वो। Same problem here. Shacked up inside dead wreckage. Is that you over there? Private Wyatt, flash your lights. Blasco, can you see the light? I see you. What can I do for you? We
car get to it from our position. Utterly fucking trapped in here. But if you could access a cockpit turret on this here aircraft, you might be able to kill the beast. Regular small arms sure don't work for bugger at all. Hey, perhaps you can swim here. Just keep your head down below the surface. You should be all right. Good plan, Fergus. Coming to you. तो फिलहाल कैप्टन और जो अभी लाइट ब्लिंक किया ना वहाँ पर है कैप्टन और हमारे कुछ जवान हैं उधर, तो हमें जाने के लिए फिलहाल इन रोबोट को मारना होगा। और रोबोट को मारने के लिए हमें तो एक मशीन गन चाहिए जो हमारे प्लेन क्रैश हुआ है पानी के पास उसमें है, तो पहले हमें उधर जाना होगा। लो एक रोबोट और भी आ गया ऊपर से, अब नीचे से जाना होगा। कैसे जाए भाई, जाने दे, हट जा। तो फिलहाल कैसे भी हम नीचे से डाउन होके आ तो गए हैं, अब पानी के अंदर से हमें फिलहाल वो मशीन गन के पास जाना होगा। उसी के लिए बच गए, मानो कि जान हथेली पर आ गया। अगर उसकी पैरों की तले पड़ जाते ना तो हमारे और कुछ बचता नहीं, पूरा एकदम चूरन चूर हो जाता। तो फिलहाल हम केबिन पर आ चुके हैं, सामने जो अभी रोबोट डॉग्स है ना उनको मारना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुभ काम में देरी क्या सही। तो एक तो गया और एक बाकी है, तो चलो दोनों गया, अब शायद हम टीम के पास पहुंच पाए। पता नहीं कौन कौन जिंदा है अभी फिलहाल। तो फिलहाल कैप्टन के अलावा और चार पांच बंदे जिंदा है फिलहाल। माहौल बहुत खराब है, देख रहे हो ना। To make your way over into those trenches and take the nest out. Just run as fast as you possibly bloody can straight up the middle. We'll lay down cover fire from here. तो फिलहाल कैप्टन ने हमें एक रेडियो दिया है जिसकी मदद से हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और सामने जो गन चल रहे हैं ना टनल है उसके जरिए जाके पहले हम गन को डिस्ट्रॉय करेंगे फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगले एपिसोड में देखेंगे हम कैसे गन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।